नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी आजकल फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं, तो वहीं आज सीएम धाबी रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में बाइक पर घूमते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम धाबी ने लोगों से केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट भी मांगे। बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में दोनों ही मुख्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुप्तकाशी में बाइक रैली में सीएम धाबी नजर आए और इस दौरान आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में भी वहां पर लोग मौजूद रहे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी दिखे। तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस दौरान सीएम धाबी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे सीएम धाबी की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धाबी और गुप्तकाशी में बाइक रैली में शामिल होते हुए नजर आए और खुद किस तरीके से सीएम धाबी बाइक चला रही हैं। इस दौरान चुनाव प्रचार करते हुए सीएम धाबी नजर आए। बता दें आपको, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, ऐसे में बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी यानी कि आशा नौटियाल के समर्थन में वोट मांगते हुए सीएम धाबी नजर आए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार बंद हो जाएगा, ऐसे में सीएम धाबी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां पर वो बाइक रैली में नजर आए। भाई बहनों, आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक बार नहीं, 7 बार, क्योंकि उनके दिल में बाबा केदार और आप बसते हैं। और मुझे पता है कि आप सबके दिल में बाबा केदार के साथ साथ मोदी जी भी बसते हैं। बसते हैं ना? बसते हैं तो जोर से बोलिए, बसते हैं। जोर से बताइए, बसते हैं ना? आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से आज पूरे केदारनाथ धाम में अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था क्या, 2013 की प्रलय के बाद इस प्रकार से केदार धाम आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर हो जाएगा? 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि से आज अनेक पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य वहां कराए जा रहे हैं। हम केवल केदार धाम की बात नहीं करते हैं बल्कि पूरी केदार घाटी में आदरणीय मोदी जी के इच्छा के अनुरूप विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार बंद हो जाएगा। 20 नवंबर को मतदान और 23 को मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस साल 9 जुलाई को केदारनाथ विस की विधायक शैला रानी रावत के निधन से सीट खाली हो गई थी। 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया के तहत 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। इस उपचुनाव में भाजपा से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत, उकरान से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन रुड़िया मौजूद हैं। बीते 17 दिनों से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज शाम 5 बजे तक प्रचार खत्म हो जाएगा।
तो 20 नवंबर को मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे जो हैं वो सभी के सामने होंगे। और आज क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखना होगा कि इतने दिनों से जो कोशिश की जा रही थी केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव जो होने हैं, ऐसे में किन की कोशिशें सबसे ज्यादा सफल साबित होती हुई नजर आती हैं। जैसे जैसे केदारनाथ उपचुनाव नजदीक आ रहा है, तो बीजेपी के साथ कांग्रेस की दिक्कत भी प्रचार में उतर रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सुंदरलाल मुयाल, गोविंद सिंह कुंजवाल सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं की बड़ क्षेत्र में मौजूद रहे। हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। कहा बीजेपी राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, साथ ही कहा कि अब बाबा केदारनाथ की धरती पर इस बार जनता कांग्रेस को बंपर वोटों से जिताएगी। और जो बच्चों की बेरोजगारी है उससे त्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहते हैं। और जिस तरीके से यात्रा को गड़बड़ाया है इस सरकार ने, भटकाया है, उसके लिए सरकार को दंडित करना चाहते। पुरुष भी चाहते हैं, महिलाएं भी चाहते हैं, और एक ढकोसला किया है। इसलिए सबसे पहले इन चीजों का असर बेरोजगारी, महंगाई आदि का, और जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं उनका असर महिलाओं के मानसिकता पर पड़ता है। इसलिए महिलाएं उठ करके खड़ी हुई है। इस बार वो भाजपा को दंडित करके उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि खबरदार, तुम गलत चल रहे हो, सुधरो, नहीं तो जो आज केदारनाथ में तुमको पलटा है उनको सारे देश में पलटा। रावत के टाइम पे हाँ, भाजपा तो बिल्कुल झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, 2022 में उन्होंने झूठ बोला, आज फिर झूठ बोल रहे हैं। और मैंने भी चुनौती देकर के कहा है कि झूठ कहना किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को कानूनन जुर्म है, तुम मेरे ऊपर मुकदमा करो। मैंने तो कहा मुकदमा करो, मैंने तो उनसे कहा अपने बाप के बेटे हो तो मेरे ऊपर मुकदमा। भारतीय जनता पार्टी के काम है, उनसे यहाँ की जनता त्रस्त है, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है, और उसका बदलाव ठीक। रावत जी जनता के आदमी है, जनता के बीच में रहते हैं, और उन्होंने अपने टाइम समय में अथाह विकास किया है इस क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का। और उत्तराखंडियत का प्रचार इतना हुआ, आज जो बड़े बड़े कहते हैं कि मंडवा और झोंगरा और काले भट्ट जो है वो हरीश रावत जी की देन है, उन्होंने इसको प्रचारित किया। इतने भी इसको छीन करके प्रधानमंत्री जो है कह रहा है मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी लगातार गांव गांव में जाकर आम लोगों से वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा डोटियाल ने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े किए, कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आशा नौटियाल लगातार प्रचार करती हुई नजर आई, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं जहां बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर तमाम सवाल भी खड़े किए, कहा कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, केदारनाथ सीट को लेकर उपचुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से की हैं। प्रत्याशियों की बात कर ले तो प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते ये तस्वीरें सामने आई जहां बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल भी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधती हुई भी नजर आई। ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, जहां भी जा रही हूं ये जन सैलाब महिला हमारे गांव के ग्रामीण नर नारी युवा बच्चे सब कमल खिलाने में लगे हुए हैं। और ये मोदी जी की जो विकास की नीति है, लगातार मातृशक्ति को सम्मान देना, युवाओं को रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना और गांवों का विकास करना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, केदारनाथ के विकास के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि हमारी मातृशक्ति का, सभी ग्रामवासियों का, युवाओं का, भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन, और जो जन सैलाब के साथ लोग अपना साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि 23 तारीख पूरी विधानसभा में भारी बहुमत से कमल खिलने वाला।
तो वही केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के दौरान चोपता के बाजार में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की गाड़ी में शराब पकड़ी गई है। मौके पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत और उनके समर्थक पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मौके पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत समेत कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा करती हुई नजर आई। तो बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगाए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसी के साथ इस वर्ष की चार धाम यात्रा समाप्त हो गई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सूत्रों ने बताया कि रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट परंपरागत पूजा अर्चना रीति रिवाज से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान सेना के बैंड की धुनों और भक्तों की जय बद्री विशाल के नारों से वातावरण गूंज उठा। कपाट बंद होने के मौके पर धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था और इस दौरान मंदिर में साल की आखिरी पूजा देखने के लिए 10,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे। तो वही हरिद्वार में वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री विक्रम मिश्री का रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचने पर स्वागत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने पुष्प गुच्छ भेंट कर मंत्री का अभिनंदन किया। कलेक्ट्रेट भवन में मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। मंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। तो वही जिलाधिकारी की शहर को बाल भिक्षा वृत्ति से मुक्त कराने की कवायद पर वहां चढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में भिक्षा वृत्ति उन्मूलन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला प्रमोशन अधिकारी द्वारा विगत सप्ताह से भिक्षा वृत्ति से रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों हेतु तैयार किए गए माइक्रो प्लान को जिलाधिकारी ने अनुमोदन दे दिया है और इसी दौरान रेस्क्यू किए जाने वाले बच्चों को इंसेंटिव केयर शेल्टर में उचित माहौल उपलब्ध कराने के लिए 3 सामाजिक संगठनों से जिला प्रशासन का MOU हस्ताक्षर कर आपस में अंतरित हो गया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें एंटी चाइल्ड बैगिंग को लेके जो विगत सप्ताहों से हमारा कार्य चल रहा था तो वो पूर्ण हो गया है और जो उसका माइक्रो प्लान है वो आज अप्रूव हो गया है कि किस तरह से हम बच्चों को रिकवर करेंगे और तत्पश्चात उनको हम अपने इंटेंसिव केयर शेल्टर में लाकर ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स कि जिससे उनका जो एक बिहेवियरल चेंज है जो एक उनका एफिनिटी है टुवर्ड स्टडीज वो हम बढ़ा सकें और फिर फॉर्मल एजुकेशन से उनको लिंक कर सकें। इसके बाबत जो साधुराम कॉलेज है उसका टेंडर हो चुका है और उसका कार्य अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। तो प्रथम चरण में 3 कक्ष हम बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा हॉल जो मल्टी एक्टिविटी हॉल होगा वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसी चीज़ों से बच्चों को। तो वहीं लक्सर CHC परिसर में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति के तहत ब्लॉक स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बाल विकास अधिकारी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक मोहम्मद शहजाद ने CHC में सुविधाओं के विस्तार का भरोसा दिलाया। उन्होंने घोषणा की कि वे हर महीने 5 गाँव में समिति की बैठक में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करेंगे। सरकारी कार्यक्रम जो होते हैं उनमें कहाँ कमी रह जाती कहाँ पे आपकी आपकी मदद जनता की मदद की ज़रूरत है तो उसको सुदृढ़ करने का काम जनसंवाद के थ्रू किया जा रहा है। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं हमारे यहाँ से भी एक टीम क्या हर एक कोई ना कोई मेंबर ज़रूर जाया करेगा हर मीटिंग में जो महीने में हुआ करती है उनकी विच एसेंसी की बैठक उसमें ये देखा जाएगा कि सभी लोग उपस्थित हैं कि नहीं उसको रजिस्टर किया जा रहा कि नहीं वेस्ट मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा में सारे लोग उपस्थित हुए कि नहीं और उसमें सैनिटेशन और हेल्थ रिलेटेड सारी बातें हुई कि नहीं हुई
और वो किस तरह से क्रियान्वयन उसका हो रहा है? आपके बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम खराब नहीं होता, वो सकते वो जमीन पर सही उतरे। और मैं समझता हूँ कि मैं प्रधान बीडीसी और भाई ब्लॉक प्रमुख हैं और अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, अगर हम सब मिलके कार्य करें एक दूसरे के बजाय कमेंट करने के, हम एक तक गांव में जाएं और वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम चलेगा और चलना भी चाहिए। सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जनता को लाभ मिलना ही चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो वहीं हरिद्वार में बिना सत्य किराए मकान में किराएदार रखना मकान मालिकों को भारी पड़ गया। जिले भर में पुलिस की ओर से चलाए गए सत्यापन अभियान में पुलिस ने 47 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,47,000 के कोर्ट के चालान कर दिए। मौके पर 1,591 लोगों का सत्यापन किया गया। साथ ही संदिग्ध मिले 63 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई कर 35,750 रुपए का नकद जुर्माना वसूल लिया गया। सभी को किराएदारों, घरेलू डॉक्टरों और बाहरी व्यक्तियों का अचल सत्यापन कराने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस सर्दियों के मौसम में बढ़ते हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस बार सुरक्षा के लिए खास कदम उठाए। विभाग रिफ्लेक्टर और रोड मार्किंग के जरिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि विभाग ने सड़क सुरक्षा के बजट में इस बार एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके तहत विभाग रेडियम टेप खरीदेगा जिसे गन्ने की ट्रोलियों, सड़क किनारे खड़े पेड़ों और अन्य स्थानों पर लाया जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए विभाग विशेष रूप से रोड मार्किंग पर भी ध्यान दे रहा है। सड़कों को स्पष्ट रूप से डिफाइन करने के लिए सफेद लाइनों पर विशेष पेंटिंग की जाएगी। रश्मि पंत ने कहा कि यह कदम न केवल वाहन चालकों को सुरक्षा देगा बल्कि सड़क पर यातायात को भी सुचारू बनाएगा। विभाग की टीम जल्द ही इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए काम शुरू करेगी। हम अपील तो करते ही है रिफ्लेक्टर टेप लगाने की। इसके अलावा इस साल हमने एक नया प्रयास किया है, हम लोगों ने अपने जनपदीय सड़क सुरक्षा के बजट में एक प्रावधान किया है कि हम लोग टेप, रेडियम टेप को प्रोक्योर खरीदेंगे मार्केट से, और विशेष रूप से जो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है उनमें, और रोडों के किनारे जो पेड़ हैं और या बिजली के खंभे हैं जिनसे दुर्घटना की संभावना रहती है, उन पर भी हम लोग रेडियम टेप लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी की रेडियम टेप, ताकि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो वाहन चालक हैं उनको सुविधा मिल सके। इसके साथ ही कल जिलाधिकारी महोदय ने सभी रोड ओनिंग एजेंसीज को भी ये निर्देशित किया है कि कोहरे के दृष्टिगत जो रोड मार्किंग्स हैं जिनमें हम रोड की साइड्स को डिफाइन करते हैं, वो व्हाइट लाइंस को प्रॉपरली पेंट करें। इसी महीने के अंतर्गत उनको ये काम करने के लिए निर्देशित। तो वही देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 युवाओं की मौत के बाद ऐसे हादसे दोबारा ना हो इसके लिए पुलिस युवाओं के लिए जन जागरूकता अभियान चला रही है। और इसी बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रबोध कुमार ने कहा कि कॉलेजों में अभियान चलाकर हम युवाओं को अपील कर रहे हैं कि वह अपने वाहन को उतनी ही रफ्तार से चलाएं जितने में वह नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने युवाओं से निवेदन किया कि का सेवन करके गाड़ी ना चलाए ताकि रास्ते पर चल रहे अन्य लोग भी सुरक्षित रह सकें। दो दिन पहले जो ये भीषण और बेहद दुखद जो एक्सीडेंट की घटना हुई थी कैंट क्षेत्र में, तो उसी के दृष्टिगत हमारे द्वारा जो है विभिन्न प्रोग्राम में और विभिन्न जो है कॉलेजेस में, खासकर हमारा जो युवा वर्ग है, जैसे कि आपको पता है कि उसमें हमारे जो है युवा साथी ही थे जो अपनी ज़िंदगी के जंग हार गए थे, तो उसी के संबंध में युवाओं को खासकर हम लोगों के द्वारा अपील की जा रही है, कृपया करके एक तो अपने वाहन को जो है सावधानी पूर्वक चलाएं और उतनी ही स्पीड उसकी रखें जितनी की इमरजेंसी में आप उसको कंट्रोल कर पाएं। ओवर स्पीडिंग कतई ना करें। और इसके बाद जो दूसरा एक प्रमुख कारण आता है एक्सीडेंट होने का, ड्रंकन ड्राइविंग, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि शराब का प्रचलन ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो उसको ड्रंकन ड्राइविंग के बाद गाड़ी को। खबर देहरादून से है जहां देर रात तक दून पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर संपूर्ण जनपद में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वाहनों के चालकों की एल्कोमीटर से जांच की गई।
शहरों में रात में शराब पीकर हो रही दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस द्वारा ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने सभी मार्गों पर चेकिंग की। इस दौरान स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और सीपीओ की विभिन्न टीमें तैनात की गई। हरिद्वार के एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर खुलेआम शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पूरे जनपद में छापेमारी की कार्रवाई की गई। एसएसपी के निर्देश पर श्यामपुर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी की। श्यामपुर क्षेत्र में विभिन्न होटल, ढाबों और शराब के ठेकों के बाहर विशेष अभियान भी चलाया गया। छापेमारी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से ऐसे 35 लोगों को दबोच लिया जो खुलेआम जाम छलका रहे थे। सभी को पकड़कर थाने लाया गया और सबका चालान भी काटा गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरिद्वार में सत्यापन अभियान तेज हो गया। सत्यापन ना कराने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर सत्यापन अभियान तेज कर दिया गया। पुलिस ने सिटकुल थाना ब्रारीपुर, कोतवाली, गंग नहर और लक्सर कोतवाली क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के तहत किरायेदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच की गई। सत्यापन ना कराने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस की इस मुहिम को क्षेत्रीय नागरिकों से समर्थन भी मिल रहा है। मकान मालिकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने किरायेदारों का सत्यापन समय पर सुनिश्चित करें। तो किरायेदारों और संदिग्धों को लेकर चेकिंग के लिए अपील की गई। मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया गया। इसी के साथ हरिद्वार में सत्यापन अभियान जो है वो तेज हो चुका है। तो वहीं हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों का घुसना जारी है। पीती रात ज्वालापुर में एक जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आ धमका, जिससे वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वन विभाग की रेलवे ट्रैक टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेल प्रशासन से संपर्क कर ट्रेन की गति धीमी कराई। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को ट्रैक से हटाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रेनें फिर से चलने लगी। घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जंगली जानवरों का लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में आना वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।